और आज उसी विशेषता में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है कि जितने भी हमारे इस पवित्र पावन नगर पालिका घरोंडा के धार्मिक कार्यों को करने वाले संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उन सभी ने मिलकर के इस पवित्र पावन भगवान श्री राम कथा को करने का जो संकल्प लिया है, मैं चाहूंगी एक बार उन समस्त सम्मानित सदस्यों का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। अपने हृदय की गहराइयों से मैं भी अपनी शुभकामनाएं उनके लिए व्यक्त करती हूं और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करती हूं कि हे प्रभु, उनका ये संकल्प, उनकी ये शक्ति, उनकी ये भक्ति, उनकी ये सामर्थ्य हमेशा इसी प्रकार से बनती रहे और इसी प्रकार से मिलकर के हम चलते रहे, क्योंकि वेद माता भी कहती हैं, संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। आज वेद मंत्रों की ये ध्वनि जो विदेशी संसदों में भी गुंजायमान होती है, हम भारतीयों ने और भारत में भी जो अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, इस पाठ को, इस अध्याय को कहीं ना कहीं हम भूल बैठे थे। लेकिन वर्तमान में परमात्मा की कुछ कृपा ऐसी बन रही है कि निश्चित धीरे धीरे ये सबको समझ में आ रहा है कि यदि साथ मिलकर के हम किसी कार्य को करेंगे तो उसका बड़ा सुखद परिणाम बड़ी दृढ़ता के साथ और एक सुफल के रूप में प्राप्त होता है। तो जो ये कदम संपूर्ण संस्थाओं ने मिलकर के उठाया है वो सभी धन्यवाद की पात्र हैं। और आइए, मैं ये दावा तो आप लोगों के सम्मुख बिल्कुल नहीं कर सकती कि ये जो कथा इस प्रकार की हो रही है ये पहली बार हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरा जो सनातन धर्म है, हमारा ये भारत वर्ष है, आदि काल से ही मेरी मातो बंधु, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान की अविरल गंगा बहती रही है। और यदि देखा जाए तो वेदों के मंत्रों की गुत्थियों को सुलझाने के लिए ऋषियों ने कथा को एक माध्यम बनाया। हमारी जो उपनिषदें हैं वो कथाओं के रूप में हैं, क्योंकि वेद के जिन गूढ़ रहस्यों को सामान्य व्यक्ति न समझ पाता था, हमारे ऋषियों ने उसके लिए भी वो मार्ग इतना सरल किया कि उसे कथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, जिसमें एक रस होता है, एक रोचकता होती है और व्यक्ति के हृदय में वो बातें बड़ी तीव्रता के साथ बैठ जाती हैं। इसलिए हमारी जितनी भी उपनिषद हैं वो कथाओं के रूप में हैं, जितने भी हमारे आरण्यक ग्रंथ हैं ज्यादातर वो कथाओं के रूप में हैं। इसी विधा को अपनाते हुए समय समय पर, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो या कलयुग भी रहा हो, जो जो विद्वान, जो जो ऋषि मुनि समाज का कल्याण करना चाहते थे, उन्होंने इसी कथा को माध्यम बना करके जनमानस के अंदर आध्यात्मिक मोतियों को पिरोया। क्योंकि कथा शब्द का अर्थी है जिसके सुनने से किसी भी प्रकार की हानि ना हो। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, इसलिए कथा वो होती है जो मनुष्य का कल्याण करती है, बस शर्त एक लगा दी कि उस कथा में सत्य होना चाहिए। निवेदन कर दूं, आप लोगों ने सुना होगा सत्य नारायण की कथा। सत्य शब्द जो जुड़ा हुआ है, नारायण कहते हैं परमात्मा को, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर की गूढ़ रहस्यों को कथा के माध्यम से सत्य सत्य कह देना और सत्य सत्य अपना लेना। और क्यों कहा कि सत्य सत्य बोल दो और सत्य सत्य अपना लो, वो इसलिए क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है,
सत्य कभी पराजित नहीं होता। ये व्यक्ति के यह लोक और परलोक दोनों को हमेशा विजयी बनाता है। इसलिए आइए इस कथा का शुभारंभ हम कर रहे हैं और इस संकल्प के साथ कर रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि हम पर बना करके रखिएगा मेरे नाथ, कि निश्चित इस कथा में त्रेता युग के उस पवित्र पावन चरित्र को, जिसे महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने बड़े ही सुंदर भावों के साथ लिखा, वो हमारे जीवन का कल्याण करे और उनके आचरण से हम वो शिक्षा ले सके जिसकी आज वर्तमान में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज जिस वर्तमान पीढ़ी को ये लगता है कि ये नीरस सा विषय है और ये हमारे जीवन में काम आने वाली बातें नहीं है, ये तो केवल उन बड़े बुजुर्गों के लिए हैं जिनका घर में कोई काम नहीं, वो बैठ कर के इन कथाओं को सुने, ये उनके सब्जेक्ट है, ये उनके विषय है। पर मैं बड़ी हृदय की गहराइयों से निवेदन कर दूं, जितनी आवश्यकता भगवान श्री राम कथा की लोगों, शायद त्रेता में नहीं रही होगी, शायद द्वापर में नहीं रही होगी, उससे ज्यादा आज इस राम कथा की आवश्यकता इस समय में है, ध्यान रखिएगा। और वो क्यों है तो मैं संकेत कर दूं अपनी भूमिका में, वो इसलिए है कि आज हमने घरों के अंदर हर एक चीज का सेट तो रख रखा है, ध्यान रखिएगा, पर घर का प्रति खुद अपसेट हुआ पड़ा है। चीजों की सेटिंग बहुत अच्छी है लेकिन खुद की सेटिंग बिगड़ी हुई है, है ना? और खुद की सेटिंग को सुधारने के लिए जिस धैर्य की, जिस शालीनता की, जिन संस्कारों की आवश्यकता है। आज पता लगा घर के अंदर रिश्तों में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो चीजें नाक पर बन आती है, निवेदन कर दूं ये समझने की आवश्यकता है, आप किसकी नाक ऊंची कर रहे हो और किसकी नाक छोटी कर रहे हो। इस कथा के माध्यम से युवा पीढ़ी को ये जानने की आवश्यकता है कि एक समय था जब अयोध्या जैसा राज्य भी दो भाइयों के बीच में कोई दीवार खड़ी नहीं कर पाया, आज जमीन के छोटे छोटे टुकड़े भी एक भाई के हाथ में चाकू देकर के दूसरे की गर्दन तक कैसे पहुंचा रहे हैं। आज ये आवश्यकता है कि जो माता पिता अपने बच्चों की समस्त ख्वाहिशों को पूरी करते हुए उनके ऊपर सब कुछ न्योछावर कर देते हैं और वो बच्चे जरा सी बात पर चुटकियां बजा करके बोल देते हैं कि तुमने हमारे लिए बोलो किया ही क्या है। निवेदन कर दूं बहुत आवश्यकता है आज के समय में, और उस आवश्यकता को इस रूप में पूरी मत करिएगा कि हमने लाकर के रामायण की कथा सुनी और प्रभावित हो करके कहा भैया रामायण घर में रामायण रखनी है और फिर उसे लाल कपड़े में लपेट करके हमने मंदिर में रख दिया। जब जब होली आई, जब जब दीपावली आई, कपड़ा मारा, धूल झाड़ी और फिर माथे से लगा के रख दिया, ऐसे तो स्थिति नहीं बदलेगी। अगर स्थिति को बदलना चाहते हो तो आइए शुरुआत यहीं से करेंगे कि रामायण लाल कपड़े में लपेट करके रखे जाने वाला ग्रंथ नहीं है मेरी माताओं, रामायण इस दुनिया का वो ग्रंथ है कि यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने घर को स्वर्ग बना, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।
निवेदन कर रही थी कि रामायण वो ग्रंथ है जो व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने घर को स्वर्ग बना लूं, अपने घर को मंदिर बना लूं। तो जैसे किसी देश के मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए एक संविधान होता है, वैसे ही हमारे पारिवारिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए, नैतिकता को स्थापित करने के लिए, परिवार में बड़ों का सम्मान हो, संतानों में संस्कार हो, आपसी प्रेम और सौहार्द हो, तो महर्षि वाल्मीकि ने ये रामायण भी उस संविधान के विषय में लिखा है जो हमारे परिवारों में अगर लागू हो जाए तो घर स्वर्ग और मंदिर बन जाए। आपने देखा होगा किसी भी ग्रंथ का नाम जब होता है तो हम क्या कहते हैं, योग दर्शन शास्त्र, न्याय दर्शन शास्त्र, वैशेषिक दर्शन शास्त्र। पर महर्षि वाल्मीकि ने इस ग्रंथ का नाम रखा रामायण। यदि थोड़ा सा गहराई से विचार करेंगे तो क्या है इसका अर्थ, राम और अयन कहते हैं घर को, जिसमें भगवान श्री राम के घर की चर्चा है। और आप विचार करना वो घर कितना महान होगा जिसके ऊपर इतना बड़ा शास्त्र लिख दिया गया। अनुष्टुप छंद के अंदर सबसे पहला जो महाकाव्य लिखा गया वो ये रामायण लिखा गया। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, एक परिवार कितना महत्वपूर्ण होगा कि आज पूरी दुनिया के अंदर इस ग्रंथ का प्रचार सब भाषाओं में हो चुका है। पूरे विश्व का ऐसा कहीं कोना नहीं बचा होगा जहां तक भगवान श्री राम की चर्चा न पहुंची हो, लोग उन्हें न मानते हो, और उनके आदर्श का बोलबाला कितना होगा। मेरी बातों बंधुओं जरा विचार करना, कोई व्यक्ति अपनी चीजों के लिए लड़े या न लड़े, पर लोगों राम मंदिर की लड़ाई को लोगों ने इतने दिनों तक लड़ा, गोलियां खाई, लाठियां खाई, मर गए, जेलें भरी, पर अंततः भगवान श्री राम के मंदिर को अयोध्या में स्थापित करवा करके छोड़ा। आप विचार करना, चिंतन करना कितना प्रेम आज भी है उनके प्रति। तो इसलिए 7 दिनों तक अपना मन बनाइए और घरोंडा नगरी को अयोध्या समझ लीजिए और बस अपने हृदय को तैयार कर लीजिए इस बात के लिए कि जो भगवान श्री राम का व्यक्तित्व रहा है उस व्यक्तित्व के अनुसार हम अपने जीवन को बनाएंगे। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिए, बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगे योगे तवस्तरम्
तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्त देशांतर्गते हरियाणा प्रांते करनाल जनपदे ग्रोंडा नगरे पवित्र स्थाने पवित्र काले श्रावण मासे सोमवासरे सप्त दिवसे श्री राम कथा उपलक्षे कथा करणायं भवन्तं व्रणे ॐ शांति 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 कि प्रभु नाम के सबुन से जो कि प्रभु नाम के सबुन से जो मन के मेल छुड़ाएगा निर्मल मन के तज पद में वे प्रभु प्रभु नाम के साबुन से जो मन के मेल छुड़ाएगा प्रभु नाम के साबुन से जो मन के मेल छुड़ाएगा निर्मल मन के तज पट में वे प्रभु के दर्शन पाएगा निर्मल मन के तज पट में वे प्रभु पाएगा
नैर शरीर अन्न मोले रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। नैर शरीर अन्न मोले रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में फंस करे क्यों प्रभु को विसराया है। झूठे जग प्रपंच में फंस करे क्यों प्रभु को विसराया गया। समय घात से निकल गया तो समय घात से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। समय घात से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन दोनों हाथों को खोल भी देंगे, मीठी मीठी सी तालियां भजन के साथ में सभी बजाएंगे और इसके अनेक प्रकार के लाभ भी है ना। ये जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी तो आपको सुनने को मिलेंगे, इसलिए दोनों हाथों को खोल भी दीजिए और बोल भी दीजिए एक साथ। झूठ कपट निंदा को त्यागो हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए कोई अतिथि यथा योग्य सत्कार करो। घर पर आए कोई अतिथि यथा योग्य सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में हमसे हमको नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में हमको नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के मन के मैल छुड़ाएगा। प्रभु नाम के साबुन से जो मन के मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के तज पेट में वे प्रभु के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के तज पेट में वे प्रभु के दर्शन पाएगा। Thank you.
पर विश्वास नहीं, साधन तेरा कच्चा है। जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं, मंजिल पर जाना है क्या। जब दीपक में प्रकाश नहीं, मंजिल पर जाना है क्या। जब दीपक में प्रकाश नहीं, निश्चय है तो भवसागर से, निश्चय है तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निश्चय है तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वे प्रभु के दर्शन पाएगा। उस परम पिता परमेश्वर के प्रति जब समर्पण का भाव बढ़ जाता है एक भक्त का, तो स्थिति कुछ इस प्रकार की बन जाती है कि अपने प्रत्येक क्रिया कलापों में एक भक्त उस भगवान को देखता है, सुनता है और उसकी एक एक आज्ञा को अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य मान करके पूर्ण करता है। और मेरी माताओं बंधुओं, ऋषि मुनियों ने कहा है कि उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। वो परमात्मा हमारे ऊपर के भावों को नहीं अपितु अंतःकरण की भावनाओं को देखता है। जो अंदर ही अंदर एक रील चलती है, परमात्मा उस पर अपनी दृष्टि रखता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानता है। और हम सोचे कि उस व्यवस्था से हम बच जाएं, चालाकी करके, तो बच नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति बाहर बैठ करके हिसाब करे, संभव है छिपा करके सावधानी से कुछ गड़बड़ कर दें हम, पर यदि कोई अंदर ही तराजू लेकर के बैठा हो और अंदर ही तराजू लेकर के हर चीज को तोल रहा हो, उससे बचना, ध्यान रखिएगा, नामुमकिन है। बच नहीं सकते हम परमपिता परमेश्वर से। इसलिए क्या कि पूर्णतः समर्पण करके, उसके आज्ञा पालन में अपने आप को समर्पित करके अपने अंदर भाव लाने का प्रयास करें। और वो भाव किस प्रकार के हो, तालियों को खोल दीजिए, दोनों हाथों को उठा करके एक साथ।
दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। राजा रंग अनेको वे कितनों की सुनी कहानी है। राजा रंग अनेको वे कितनों की सुनी कहानी है। अंत में ये महामंत्र है, नाम का महामंत्र है, धर्म नाम का महामंत्र है। साथ तुम्हारे जाएगा ओम नाम का महामंत्र है, साथ तुम्हारे जाएगा। के मेल छुड़ाएगा प्रभु नाम के साबुन से, जो मन के मेल छुड़ाएगा। निर्मल मन के तज पट में वे प्रभु के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के तज पट में वे प्रभु के दर्शन पाएगा। निर्मल मन सनातन वेद की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी की जय। बोलिए योगिराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी की जय। बोलिए बजरंगबली हनुमान जी श्री महाराज जी की जय। बड़े ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य हमारे मध्य में विराजमान आग्नेय वस्त्रों से सुसज्जित हिसार नागौरी गेट के संरक्षक श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य इस पवित्र पावन मंदिर के हमारे श्रद्धेय धर्माचार्यगण, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिनके कर कमलों द्वारा इस पवित्र पावन कथा का शुभारंभ हो रहा है, पूज्य बाऊजी श्री पदम सिंह जी, हमारी सभी संस्थाओं से जुड़े हुए सम्मानित सदस्यगण, इस गरिमामयी सभा में उपस्थित अपने ज्ञान, अपनी बौद्धिकता और अपने संस्कारों से अपने जीवन को इस आध्यात्मिक मार्ग का पथिक बनाने वाले सभी धर्मनिष्ठ महानुभव, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा वंदनीय मातृ शक्ति, उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों,
सर्वप्रथम तो मैं आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सादर वंदन अभिनंदन। और मेरे साथ में वाद्य यंत्रों पर संगति दे रहे हैं, मेरे साथ संपूर्ण भारत में सभी प्रांतों के अंदर जब जब कार्यक्रम होते हैं तब 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 ये हमारे सभी भ्राताजन मेरे साथ चलते हैं। मैं चाहूंगी एक बार सभी संगीतकारों का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। पवित्र पावन ये सप्त दिवसीय कथा जिसके विषय में मैंने थोड़ी सी भूमिका अपने आरंभ में आप लोगों को बताई, आप लोगों ने पहले भी इस कथा को सुना है, देखा है, जाना है, पर मेरी माताओं इस सनातन धर्म संस्कृति में ऐसे दो महापुरुष हैं जिनके विषय में हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार कुछ ना कुछ नया सा लगता है, उतनी बार वो नए नए संस्कार जागृत होते हैं और ये प्रचलन भी समाज के अंदर इसीलिए आया कि निरंतरता बनी रहेगी। तो आपने देखा होगा एक होती है नदी, एक होता है तालाब। आप कभी तालाब के पानी को जब देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको आसपास गंदगी नजर आएगी, कारण वो एक सीमा में है, एक दायरे में है और वहीं के वहीं ठहरा हुआ है। उसमें लहरें तो उठती हैं पर वो एक दूसरे से टकरा करके वहीं पर रह जाती हैं, इसलिए बहुत जल्दी वो गंदा हो जाता है। पर नदी का जो जल है वो प्रवाह से चलता रहता है, इसलिए नदी के जल में कभी वो गंदगी रुकती नहीं है। किसी ने कुछ डाल भी दिया वो तुरंत एकदम आगे बह करके चली जाएगी। इन कथाओं के विषय में भी कहा जाता है इनको सुनते रहो निरंतर, और जब आप सुनते रहते हो तो ये भी आपके अंतःकरण की जो मलिनता है उस मलिनताओं को बहा करके इसी प्रकार से ले जाती है। अब कोई व्यक्ति कहे कि जीवन में एक बार सुन ली, बार बार सुननी क्या आवश्यक है, तो हम कहते हैं कि आपने एक बार भोजन कर लिया तो फिर पूरे जीवन क्यों खाते, है ना, है ना। एक आस्तिक और नास्तिक में बात चल रही थी। एक नास्तिक ने आस्तिक से कहा कि तुम पढ़ क्यों रहे हो, पढ़ने की क्या आवश्यकता है। आस्तिक ने कहा क्यों, अध्ययन करना तो बहुत जरूरी है, विद्या साया विमुक्त है, विद्या से तो मुक्ति होती है। तो उसने कहा देखो पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, ना पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, पढ़ोगे तो भी मरोगे और नहीं पढ़ोगे, जोर से बोलो, तो दंत कटा कटेति किम कर्तव्यम, फिर दांतों को कटा कट क्यों बजाना, जब पढ़ के भी मरना है और अनपढ़ रह के भी मरना है तो क्यों व्यर्थ में मेहनत करनी, परिश्रम करना, पुरुषार्थ करना। उसने कहा अच्छा ये बता तू भोजन करता है कि नहीं करता। इसने कहा हाँ वो तो मैं करता हूं, कितने समय, कितने समय के, फिर एक काम कर भोजन करना बंद कर दे। इसने कहा क्यों, अरे बोले खादितव्यम तदपि मर्तव्यम, खाओगे तो भी मरोगे, न खादितव्यम तदपि मर्तव्यम, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, तो अनाज का विनाश क्यों कर रहे हो, फिर मत खाओ, मरना ही है ना, तो अनाज का नाश मत करो, मर जाओ। इसने कहा ऐसे कैसे, अगर खाऊंगा तो जितनी आयु मेरी है उसको जी करके मरूंगा, और अगर भूखा रहा तो जल्दी मर जाऊंगा, खाकर
करके मरने का फल अलग है, भूखा रह करके मरने का फल अलग है। इसने कहा सुन, जैसे खा करके मरने का फल अलग है, भूखा रह करके मरने का फल अलग है, ठीक ऐसे ही शास्त्रों को पढ़ करके जान करके जीवन में अपना करके जो मृत्यु होगी वो मुक्ति को देने वाली होगी। अनपढ़ और मूर्ख रह करके कुकर्म करके जो मृत्यु होगी वो बंधन को देने वाली होगी। दोनों कर्मों का फल अलग है। आप एक बार सुन रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो चीजें आपको सब याद रहे या आप उसे पूरी तरह से अपना सके, लेकिन समय समय पर जब जब व्यक्ति बैठता है, जब जब व्यक्ति सुनता है, तब तब वो अपने आप को टटोलता है। कथा जरूर इस व्यासपीठ पर चलेगी, पर वो कथा व्यक्ति व्यक्ति के अंदर चलती है जो उसे सुनता है, और वो फिर अपनी वर्तमान की परिस्थितियों को उस कथा के साथ जोड़ करके ये देखता है कि मुझे कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कौन सी गंदगी है जो मेरे जीवन को भी नष्ट करने का काम कर रही है, मैं उसको दूर कर लूं। इसलिए कहा कि व्यक्ति को धार्मिक बनाने में महापुरुषों के जीवन का बहुत बड़ा महत्व होता है। और मेरी माताओं कहते हैं इस कथा का शुभारंभ भी यहीं से होता है। निवेदन कर दूं इतना कि इस कथा को सुनिएगा, निश्चित ये कल्याण करने वाली है। पर कथा कब कल्याण करती है? कथा तब कल्याण करती है जब हम उस कथा से सुनी हुई प्रेरणाओं को अपने जीवन के अंदर अपना लेते हैं। मानस में गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है कि सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम ताही विधि। बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे हम, क्योंकि वो वर्तमान में आवश्यकता है। कि सीताराम 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 कहिए कि जाही विधि रहे राम ताहि विधि रही। इतना परिवर्तन तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जाहि विधि रहे राम, बोलो ताहि विधि। और इसकी क्यों आवश्यकता है? क्योंकि कहते हैं एक जगह राम और रावण में आपस में वार्ता हो रही है। कवियों ने बनाया है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो श्री राम ने कहा देखो दुनिया में मेरे भक्त जनों की संख्या कितनी बड़ी है। तो रावण तुरंत टोंट कसता हुआ कहता है सुनो राम, तुम केवल नाम नाम में ही हो लोगों के, अंदर तो मैं ही बैठा हूं उनके। नाम तो तुम्हारा सब लेते हैं, इसमें मुझे भी कोई संशय नहीं है, लेकिन काम सब मेरे वाले करते हैं, इसमें तुम्हें भी कोई भ्रम पैदा? जोर से बोलो। नाम तो तुम्हारा खूब लेते हैं, राम राम हरे हरे, हलवा खाओ पड़े पड़े, है ना। रामनवमी है तो तुरंत रेलिंग पर चढ़ करके पड़ोसन से पूछती है खीर बना रही है कि हलवा बना रही है आज, और खीर खा ली और हलवा खा लिया और सोचा कि रामनवमी हो गई। नहीं, उद्देश्य क्या है कि उनके जीवन को अपने जीवन में अपनाओ। इसलिए मेरी माताओं बंधुओं बड़ी सीधी सी बात है कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि रहे राम ताहि विधि। बस ये एक वाक्य अपने जीवन में उतार लीजिएगा तो ये 7 दिन की कथा सफल और सार्थक हो जाएगी। क्योंकि गुणों का ही वर्णन यहाँ पर आता है और कहते हैं महर्षि वाल्मीकि के पास में चलकर के नारद मुनि जी आए
अब कथा के साथ साथ कुछ भ्रांतियां समाज में बहुत हैं, जिन भ्रांतियों को दूर करना भी मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। जैसे महर्षि वाल्मीकि का जब नाम आता है तो आज कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं कि राम तुम्हारे हैं और वाल्मीकि जी हमारे हैं, कृष्ण जी तुम्हारे हैं और हनुमान जी हमारे हैं, महाराणा प्रताप तुम्हारे हैं और छत्रपति शिवाजी हमारे हैं, भगत सिंह तुम्हारे हैं और सुभाष चंद्र बोस, जोर से बोलो, हमारे। मतलब जिन लोगों ने बिना किसी पक्षपात के समाज का इतना कल्याण किया और जिनके मन में कभी, मैं समझती हूँ, धागे जितना भी पक्षपात नहीं आया होगा कि हम इसके लिए काम करें और इसके लिए न करें, आज हमारी ये कितनी बड़ी नादानी है कि हम अपने महापुरुषों को बांट करके चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस संसार को बनाने वाला परमात्मा एक है, बंधुओं तो धर्म भी एक है, और उस धर्म के पथ पर चल करके जो धर्म धुरंधर कार्य करते हैं वो सब समाज के होते हैं, वो किसी एक के नहीं होते, उन पर किसी एक का आधिपत्य नहीं होता। जिन्होंने संपूर्ण प्राणी मात्र की भलाई के लिए अपने सर्वस्व जीवन को आहुत कर दिया हो, उन महापुरुषों को बांटना भी ये मनुष्यों की बहुत बड़ी नादानी है। इस नादानी को, इस हिंदू जाति को छोड़ देना चाहिए। तुम्हें काटने के लिए, बांटने के लिए तो दूसरे ही बहुत हैं, कम से कम तुम आपस में तो अपने आप मिलकर के चलो। तुम्हारे महापुरुषों ने जो संदेश, जो उपदेश तुम्हें दिए थे वो कल्याण के लिए दिए थे, उनको बांटो। महर्षि वाल्मीकि, निवेदन कर दूं प्रचेतस ऋषि के कुल में जन्म, और कहते हैं वो पहले एक डाकू थे, बाद में सुधर करके बने, ऐसा कुछ भी नहीं है। महर्षि वाल्मीकि कोई डाकू नहीं थे, एक ऋषि कोटि के, बहुत उच्च कोटि के साधक थे। इसी महर्षि वाल्मीकि की रामायण से प्रमाण दिया जाएगा कि स्वयं वो क्या घोषणा करते हैं और ऋषि उनके बारे में क्या घोषणा करते हैं। महर्षि वाल्मीकि के पास में चलकर के नारद मुनि जी आए, और कहते हैं जब नारद मुनि आए तो नारद मुनि जी कौन है, टीवी पर माताएं जो सीरियल देखती हैं उसमें जो नारद मुनि जी की व्याख्या है वो बड़ी अटपटी सी की हुई है। नारद मुनि जी की जो छवि है वो इस प्रकार की कुछ दिखाई गई है, क्योंकि बचपन में मैंने भी देखा है कि जहां भी नारद मुनि जी जाते हैं, इधर की बात, जोर से बोलो माताओं, और इधर की बात माताएं ज्यादा बोलेंगी क्योंकि इनका तो प्रिय विषय है ये। अच्छा एक बात बताना, अगर कोई इधर की बात इधर करे और इधर की बात इधर करे तो आप उन्हें क्या कहेंगे, बोल दो एक बार अपने शब्दों, जोर से बोल दीजिए। अच्छा ये नहीं बोल रही है, चुप हो गई, चुगलखोर, इधर से आवाज आ रही है। तो नारद मुनि जी, मेरी माताओं कोई चुगलखोर नहीं है। एक व्यक्ति जैसे पढ़ लिख करके BMS की डिग्री ले ले, MBBS की डिग्री ले ले तो हम उसे क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब। हमारे बैठे हुए हैं धर्मवीर जी। अब डॉक्टर कोई नाम नहीं है, डॉक्टर क्या है, एक उपाधि, एक डिग्री, लेकिन आप संबोधन में क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब जरा सुनना। कोई व्यक्ति वकील की डिग्री ले ले तो आप उसे क्या कहेंगे, वकील जी जरा सुनना। कोई व्यक्ति इंजीनियर हो तो आप उसे क्या कहेंगे, इंजीनियर साहब जरा सुनना। तो ये कोई डिग्री नहीं है, वो ये कोई नाम नहीं है, ये क्या है, डिग्री है, उपाधियां हैं। ऐसे नारद भी क्या है, एक उपाधि है, और वो उपाधि किस व्यक्ति को प्राप्त होती थी, मेरी मातो बंधुओं, वो उपाधि उस व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जो इधर की बात इधर लगाए और इधर की बात इधर लगाए, नहीं। ये नारद की उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती थी जो चारों वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, वेदों का, आरण्य ग्रंथों का, 16 प्रकार की कलाओं का, जो संपूर्ण जाता होता था,
उसको ये उपाधि दी जाती थी नारद की, इसलिए नारद जी आपको सतयुग में भी मिलेंगे, नारद जी आपको त्रेता में भी मिलेंगे, नारद जी आपको द्वापर में भी मिलेंगे। आप सोचो कि ये एक ही नारद होंगे, नहीं, नारद एक उपाधि है, और जो भी मनुष्य उसको प्राप्त कर लेता था उसको कहता था नारद। और उसकी कितनी बड़ी उपाधि थी कि जो समस्त ऋषियों में भी देव तुल्य है, दिव्य है, इसलिए उनको कहा जाता था देवर्षि नारद। आज हमने उनको क्या बना करके खड़ा कर दिया, तो यहां थोड़ा सुधार कर ले। कहते हैं नारद मुनि जी चल करके महर्षि वाल्मीकि के पास में आते हैं, और जब नारद मुनि जी चल करके महर्षि वाल्मीकि के पास में आए तो तप और स्वाध्याय में निरत महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद मुनि जी के चरण धोकर के वंदना करके आदर और सत्कार के साथ उनको आश्रम में आसन पर बैठाया है, और बैठा करके कहते हैं आतिथ्य सत्कार की जितनी भी परंपराएं हैं उन सबको निभा करके उनसे बड़े प्रेम से पूछा, और क्या पूछा कि हे देवर्षि, मुझे किसी ऐसे महामानव के विषय में बताओ जिनके जीवन में सदाचार, धैर्यवान, नीतिवान, मातृ पितृ भक्त, चरित्रवान, वीर, धीर, गंभीर, शौर्य, ये समस्त प्रकार के गुण हो, मैं किसी ऐसे चरित्र के बारे में जानना चाहता हूं। युवा पीढ़ियों को ध्यान देना चाहिए, आज वो जिन चीजों से प्रभावित होती है, और प्रभावित होने की प्रक्रिया क्या है कि जिनके आदर्श इस प्रकार के महापुरुष होने चाहिए, आज उनके आदर्श कौन बनते जा रहे हैं। शुरुआत यहीं से होती है। जिनके जीवन में ये सब प्रकार के गुण हो, मैं किसी ऐसे महामानव के बारे में जानना चाहता हूं जो वेद शास्त्रों की विद्या में भी निपुण हो, लेकिन शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी जो ऐसे चलाते हो कि रण में शत्रु भी उनसे कांप जाए, किसी ऐसे महापुरुष के विषय में बताओ, किसी ऐसे महापुरुष के विषय में बताओ कि जिनके जीवन में सेवा भी हो, त्याग भाव भी हो, ये सब प्रकार के गुण हो। तो कहते हैं जब महर्षि वाल्मीकि ने ये पूछा तो तब नारद जी बता रहे हैं, और वो क्या कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभयो रामो नाम जनी श्रुत नियतात्मा महावीर्यो धृति बुद्धिमानेति मन्वाग्मि श्रीमान् शत्रु बृहन् विपुलांशो महाबाहो कम्बुग्रीवो महान् महोरश्को महेश्वेशो गुणजन्नोरिंदम आयजान बाहु सुशीरा सुललाट सुविक्रम। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि के ऐसा पूछने पर सब विद्याओं में पारंगत नारद मुनि जी ने महर्षि वाल्मीकि को बताया, और ये वो काल चल रहा है जिस समय श्री राम का राज्य स्थापित हो चुका है,
ये भी भ्रांति है कि ये जो महर्षि वाल्मीकि ने कथा लिखी थी ये श्री राम जी के जन्म से पूर्व ही लिख दी थी। इस भ्रांति का निवारण स्वयं महर्षि वाल्मीकि कर रहे हैं। मैं किसी ऐसे महापुरुष के गुणों को जानना चाहता हूं जिनके अंदर ये सब के सब गुण हों। और यहां पर जिन गुणों की चर्चा नारद मुनि जी करते हैं वो क्या कह रहे हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, राम नाम से लोगों में विख्यात, नियत स्वभाव। नियत स्वभाव किसको कहते हैं? एक स्वभाव होता है कि जरा सी प्रसन्नता आ गई तो व्यक्ति तुरंत उछलने लगता है, और वही व्यक्ति अगर जरा सी पीड़ा आ जाए, जरा सा दुख आ जाए तो समाधान की बजाय उसे रबड़ की तरह और खींच के बढ़ाएंगे। तो ये नियत स्वभाव स्थित स्वभाव नहीं है, ये क्या है? विचलित विकृति। तो उन्होंने क्या कहा, जिनके विषय में मैं बता रहा हूं वो इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए हैं, राम नाम से विख्यात है, यानी कि उस समय की चर्चा चल रही है। और उनके गुणों के बारे में नारद मुनि जी क्या कह रहे हैं जरा सुनना एक बार। भगवान श्री राम को जो अपना आदर्श मानते हैं, भक्ति वही है जो गुणों को अपना ले। मेरी मातो बंधुओं, वहां पर स्पष्ट कहा गया वो नियत स्वभाव सुख हो दुख हो दोनों परिस्थिति में समान रहने वाले हैं। और कैसे हैं? मन को अपने वश में रखने वाले अति बलवान हैं, अर्थात इंद्रियों को जीतने वाले हैं, तेजस्वी हैं और सागर की तरह धैर्यवान हैं, बुद्धिमान हैं, नितिज्य हैं, मधुरभाषी हैं, श्रीमान हैं, शत्रुनाशक हैं। और उनकी शारीरिक वर्णन किया गया, विशाल कंधों वाले हैं, गर्दन शंख की तरह है, बाल घुंघराले हैं, और उनकी जो आंखें हैं वो कमल की पत्तियों की तरह है, अजान बाहों भुजाएं इतनी लंबी हैं कि जिस समय खड़े होते हैं तो उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकती हैं, इसलिए अजान बाहु कहा गया है। उनके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान रहती है, और वो अपने कंधे पर भारी धनुष को हमेशा धारण किए रहते हैं। और कहा कि शत्रु का दमन करने वाले हैं, सुंदर हैं, सुडोल हैं और माथा चौड़ा है तथा विक्रमशाली है, उनके अंगों का विन्यास सम है, सेवा भक्ति है, मातृ पितृ भक्ति है, वेद भक्ति है। ये समस्त गुण वर्तमान में अयोध्या नरेश दशरथ नंदन श्री राम के जीवन में देखने को मिलते हैं। और कहते हैं नारद मुनि जी भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करके विदा लेकर के वहां से चले गए। महर्षि वाल्मीकि ने यह निश्चय किया कि मैं श्री राम के जीवन पर ही अब अपने काव्य को रचूंगा। कहते हैं नारद मुनि जी की जानकारी के अनुसार अपने विवेक तप से उन्होंने भगवान श्री राम की जीवन गाथा को जाना और उसे लिखना आरंभ किया। और कथा का आरंभ वो कहां से करते हैं कि कौशलो नाम मुदित्यों स्फीतो जनपदों महान निर्विष्टे स्युतिरे प्रभूत धन धन्यवाद। अयोध्या नगरी की बड़ी चर्चा है पर हम संक्षेप में सुनेंगे क्योंकि हमें ये कथा पूर्ण रूप से सुननी है, इसकी विशेषताओं को सुनना है। कहते हैं सरयू नदी के तट पर कोसल नामक एक देश, और जो सब तरह से सुखों से परिपूर्ण है, उस कोसल नामक देश में अयोध्या नाम की एक नगरी
जिसके महाराज हैं दशरथ, और दशरथ शब्द का अर्थ होता है रथ। मेरी माताओं कहते हैं इंद्रियों, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे अत्यंत धर्मात्मा है वो दशरथ है। बहुत धर्मात्मा अपनी प्रजा को ऐसे प्रेम करने वाले जैसे गायें अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती हैं। और उनका राज्य कैसा है सुनना जरा ध्यान से। उनके जो राज्य हैं उसमें बड़े बड़े राजपथ बने हुए हैं। देखो आज भूमिका है, थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करना, और जितना जितना जुड़ते जाओगे एक एक गुत्थी सुलझती जाएगी। जो लोग कहते हैं भारत को टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश था, इतना पिछड़ा हुआ था, इतना पिछड़ा हुआ था कि कुछ लोग तो ये अंतिम सत्य मान करके बैठ चुके हैं, अगर भारत में अंग्रेज ना आते तो भारत की उन्नति ना होती। पर एक बात बताना, आप सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए, मैं भी मान लेती हूं एक मिनट के लिए कि भारत पिछड़ा हुआ देश था, तो अगर ये इतना पिछड़ा था, इतने जंगली और गवार लोग यहां रहते थे, तो अंग्रेज यहां पर क्या अपनी बुआ जी का भात भरने के लिए आए थे? और चलो चलो, अच्छा देर से समझ में आ रही, साथ साथ चलते रहना, आप विचार कर। और दूसरी बात, चलो हो सकता है कोई गलती से आ जाए तो जब वो वहां कुछ भी नहीं पाएगा तो वो तुरंत वहां से चला जाएगा। तो भैया जब भारत में कुछ था नहीं, यहां बिल्कुल गवार लोग रहते थे, तो 200 साल तक तुम किस बुनियाद पर यहां टिके रहे, और 200 साल के बाद भी तुम्हें लड़ लड़ करके भारत से खदेड़ना पड़ रहा है, तुम तब भी यहां से निकलने को तैयार नहीं थे। इसका मतलब तुम भूखे नंगे आए जरूर थे अपने देश से, पर ये भारत देश वो सच्चा पारसमणि था जिसमें आते ही तुम्हारी स्थिति भी स्वर्णमय हो गई, इसलिए तुम्हें खदेड़ना पड़ा, तुम जाने को तैयार नहीं। जितनी टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा, जितनी विद्याएं, जितना ज्ञान विज्ञान आर्यावर्त देश का रहा है बंधुओं, भूमंडल पर कहीं रहा नहीं है। आज जहां तक आधुनिक साइंस पहुंची भी नहीं है, त्रेता युग में, द्वापर युग में इससे कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी थी, इससे कहीं ज्यादा साइंस थी। पर गलती हमसे ही हो गई, हमने अपनी विद्याओं को चमत्कारों का नाम दे करके उन्हें मखोल बना दिया। अगर हम अपनी विद्याओं को विद्या के रूप में रखते और अपने महापुरुषों को महापुरुषों के रूप में मानते, तो आज भी पूरी दुनिया के अंदर आर्ट और फादर अगर किसी को कहा जाता तो वो भारत को कहा जाता। जो कला का पिता है वो भारत भूमि है, ध्यान। अरे महर्षि वाल्मीकि स्वयं लिख रहे हैं, आज राजपथ की चर्चा की जाती है, हाईवे की चर्चा की जाती है, उस अयोध्या नगरी के अंदर बड़े बड़े राजपथ, चौड़ी सड़कें, दोनों तरफ पुष्प लताएं लगी हुई, और इमारतें सात सात मंजिला इमारतें स्वयं। और पता लगा उस अयोध्या नगरी के अंदर ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें प्रतिदिन यज्ञ, जोर से बोलो, ना होता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना संध्या के भोजन कर लेता हो। आज तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बिना यज्ञ के भोजन करता हो, बिना संध्या के भोजन करता हो। कोई शराबी नहीं, कोई जुआरी नहीं, कोई कबाबी नहीं, ऐसा लगता है नमस्ते नो जनपदे न कदरियो न मद्यपे, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई जुआरी नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई कबाबी नहीं। और क्या कहा, उस राज्य के अंदर ईमानदारी इतनी है कि कोई कंजूस नहीं है, ईमानदारी इतनी है कि सब अपनी मेहनत अपनी परिश्रम पर ध्यान देते हैं। इसका मतलब फ्री की खाने की आदत, जोर से बोलो, नहीं है। और
मेहनत में भी जो मजदूरी भी करता है उसे सोने का सिक्का मिलता है, और महत्व तो इतना है कि मजदूर का पसीना सूखता नहीं है तब तक उसकी मजदूरी को उसके हाथ पर रख दिया जाता है। ये नहीं कि आपने काम करा लिया और जिसका चूल्हा उसी पैसे से जल रहा है और आप उसे अपने पीछे पीछे घुमा रहे हो, कल आना, परसों आना, आज नहीं, कल नहीं। पसीना सूखने से पहले मजदूरी। आप पीछे घुमा करके भले ही 2 रुपए ज्यादा दे दो तो भी आत्मा उसकी कचोटेगी, और आप टाइम टू टाइम अगर कुछ कम भी दे दोगे तो भी वो सोचेगा चलो कोई बात नहीं, समय से मिल गया, मेरा काम तो चल गया कम से कम। अंतर होता है बंधक को। ऐसा राज्य है, ऐसा राज्य है कि जहां सर पर सब सोने के मुकुट, हाथ में सोने के कंगन और कानों में पुरुष भी सोने के कुंडल धारण करके चलते हैं। ऐसे ही मेरे देश को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, ये सच में सोने की चिड़िया था, ऐसा है। तो कहा कि उस राज्य में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, बस कष्ट है तो वो केवल और केवल महाराज दशरथ को है। और वो क्या है, वेद के विरुद्ध जाकर के 3-3 विवाह महाराज दशरथ कर चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी जो रानी है कौशल देश की रहने वाली, जिसको आज छत्तीसगढ़ कहा जाता है, महारानी कौशल्या है। उनकी मंझली रानी है केकई। कुछ लोगों को भ्रांति है कि केकई सबसे छोटी थी, है ना, क्योंकि लोग सोचते हैं ना सबसे छोटा सबसे खोटा ऐसे बोलते हैं, तो उन्हें लगा कि गड़बड़ कहीं छोटी होने के कारण ना कर दी। मंझली रानी है केकई, जो राजा अश्वपति की पुत्री है, केकई देश की रहने वाली है। और ये परंपरा थी मेरे देश के अंदर कि देश के नाम पर, पिताओं के नाम पर लड़कियों के नाम रखे जाते थे। इसलिए जो लोग कहते हैं कि द्रौपदी पांचाली पांचों की पत्नी थी, द्रौपदी को पांचाली इसलिए नहीं कहा जाता कि वो पांचों की पत्नी थी, उन्हें इसलिए पांचाली कहा जाता है क्योंकि वो पांचाल देश की रहने वाली थी, ध्यान रखिएगा। तो केकई जो थी वो केकई देश की रहने वाली राजा अश्वपति की बेटी और युधाजीत की बहन थी, बड़ी वीरांगना और बड़ी विदुषी। और सबसे जो छोटी रानी थी वो सुमित्रा। 3-3 विवाह महाराज दशरथ कर चुके हैं लेकिन एक भी संतान नहीं हुई। एक दिन कहते हैं दुखी होकर के महाराज दशरथ ने अपने कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ से कहा, मुनिवर मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार से मैं बिना संतान के ही चला जाऊंगा। वेद के विरुद्ध भी गया, 3-3 विवाह भी किए लेकिन फिर भी कोई संतान की प्राप्ति न हो पाई। इस कष्ट का कुछ निवारण भी है या नहीं? कहते हैं उस समय कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, संसार के अंदर यदि समस्या है तो उसका समाधान भी। अब तक तो मुझे भी लगता था कि विवाह इसका एक उपाय है, लेकिन अब जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें इस कष्ट के निवारण हेतु पुत्रेष्ठि यज्ञ कराना चाहिए। क्यों? स्वर्ग कामो यजेत। यदि मनुष्य स्वर्ग तक के सुख को भी चाहता है तो वो यज्ञ करे। हवन कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी पूजा पद्धति है। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं, बोलो भगवान। ये तो हमारे ऋषि मुनि सब आरंभिक काल से करते आए हैं। उन्होंने कहा आप यज्ञ कराओ। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, तो राजन कहते हैं, देर किस बात की है, कराइए ना। तो सुनो जरा ध्यान से माताओं, वहां पर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, हर एक विषय का ज्ञानी होता है, निश्चित मैं साधारण यज्ञ करा सकता हूं लेकिन पुत्रेष्ठि यज्ञ वही करा सकता है जो आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता हो। अब यहां बड़े ध्यान से सुनना, आयुर्वेद की बात क्यों कही? तो देखो हमने क्या देखा
कि बात चला दी, यज्ञ हुआ, उसमें से देवता जी निकले खीर का कटोरा लेके और महाराज दशरथ को दे दिया और संतान पैदा हो, यही सुना ना। वो जो खीर थी और वो जो यज्ञ था वो पूरा का पूरा आयुर्वेदिक औषधियों पर टिका हुआ था, ध्यान रखिए। वो केवल चमत्कार नहीं था, वो पूरी की पूरी एक आयुर्वेद की विद्या थी। गर्भ का कोई दोष है तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी औषधियों का वर्णन है जिनको खा करके वो गर्भ दोष समाप्त हो जाता है। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राजन इसको तो वही व्यक्ति करा सकता है जो पूरा का पूरा आयुर्वेद की विद्याओं को जानता है। और इस समय संपूर्ण आर्यावर्त के अंदर अगर कोई व्यक्ति इसको कराने वाला है तो उनका नाम है ऋषि श्रृंग। यदि वो यहाँ पर आ जाए और पुत्रेष्ठी यज्ञ को करा दे तो मैं निश्चित कहता हूँ आपको सफलता मिलेगी। तो महाराज दशरथ ने कहा, फिर देर किस बात की है, बुलवाओ उन्हें। तो तुरंत महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राजन सुनो, यदि तुम्हें कोई साधारण वस्तु चाहिए तो तुम अपने सैनिकों को या वेतन भेदी भोगी नौकरों को भेज करके वो वस्तु मंगवा सकते हो, पर इस समय जिस संतान सुख की प्राप्ति तुम चाहते हो उसके लिए आदेश मत दो। जिसको जो चाहिए उसे पुरुषार्थ भी खुद ही करना चाहिए। तुम जाओ और वो सोचो कि साधारण रूप से कहोगे और वो आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे वो। अरे वो बहुत बड़े योगी हैं, साधक हैं, अपनी साधना में लिप्त रहते हैं, उनको तो मना करके लाना पड़ेगा। इसलिए तुम जाओ और जाकर के उन्हें मना करके लाओ। कहते हैं जब ये बात मुनि वशिष्ठ ने कही तो महाराज दशरथ को समझ में आए और तैयार हो गए। किस बात के लिए, कि देखा जब राजा दशरथ का, तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना, नहीं 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 चुनाव वाली नहीं, भजन भजन। कि देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, कि हे राजन करो पुत्रेष्ठि, बोले मुनि पुकार, चलो चल करके जाएं ऋषि श्रृंगी को ला। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। अरे देखा जब राजा दशरथ का, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, सब वेदों के जान, पुत्र यज्ञ के
ऋषि वशिष्ठ ने बखानी सुनकर हर्षित हो गए राजन, सुनकर हर्षित हो गए राजन, बोले बारंबार अजी हाँ, बोले बारंबार चलो चल कर के जाए ऋषि संगी को लाए, चलो चल कर के जाए ऋषि संगी को लाए। मैं स्वयं में ही लेने जाऊं ये राजा ने विचारी, मैं स्वयं में ही लेने जाऊं ये राजा ने विचारी, भर कर मन में श्रद्धा कि चलने की तैयारी, भर कर मन में श्रद्धा कि चलने की तैयारी, पत्नी सहित मुनि चल करके जाए ऋषि संगी को लाए, ओ चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए, चलो चल करके जाए जय हो ऋषि संगी को लाए, ओ चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए। दोनों हाथ उठा करके दशरथ जिस समय शृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें अपने मित्र रोमपाद जी भी वहीं पर बैठे हुए नजर आए। उन्हें लगा कि अब मेरा कार्य और भी आसान हो गया, क्यों आज तो चीजें बड़ी सामान्य सी लगती हैं, पर सच कहूं तो एक सच्चा सन्यासी वो होता था जो एक चक्रवर्ती राजा से भी ऊंचा होता था। इसलिए चक्रवर्ती राजा भी अपने समस्त समस्त संपत्तियों को एक तरफ रख करके नंगे पैर जाते थे उनके पास। ध्यान रखिए, महाराज दशरथ पहुंचे हैं और अपने मित्र से कहा है कि मैं इनको लेने आया हूं, कुछ सहायता मेरी तुम भी करो और इनको मनाओ और कहो कि मेरे साथ चले। रोमपाद जी के कहने से शृंगी ऋषि तैयार हो गए और अपनी धर्मपत्नी सहित अयोध्या में आ गए। आकर के मेरी माताओं
महाराज दशरथ से कहा कुछ औषधि मंगाओ। औषधि क्या थी? मोरबेल, शिलाजीत, चंदन, मुरा हल्दी और ऐसी कई प्रकार की औषधियां दूध में मिलाई गई। निवेदन कर दूं, कूट करके, छान करके, दूध में मिला करके उसकी दही जमाई गई, उससे जो घृत तैयार हुआ, इस घृत से हवन होगा, ये समिधाएं लगेंगी। और कुछ औषधि जो थी वो खीर के अंदर मिलाई गई। जैसे बड़ की जड़ जो होती है उसका पिसा हुआ चून, एक आग का पेड़ होता है, सफेद फूल जिस पर आते हैं, और उसकी जो जड़ें होती है जब वो बढ़ता है तो बिल्कुल गणेश जी जैसी आकृति बन जाती है, उसको निकाल लेते हैं वैद्य लोग, उसको सुखा करके उसका चून बना करके उसको भी दिया जाता है। पर ये प्रत्येक कंडीशन में अलग अलग होता है, ये नहीं कि यहां बताया जा रहा है और कोई घर जाके प्रयोग करना शुरू कर दे, क्योंकि भारत में प्रयोगियों की कोई कमी नहीं है, ये तुरंत प्रयोग करते हैं। सफल हो जाए बधाई दे या न दे, पर गलत हो गया गालियां जरूर देते। तो वो हर एक परिस्थिति में चीजें अलग होती हैं। तो इस प्रकार की कई सारी औषधियां जो थी माताओं वो तैयार की गई और उनको दूध में डाल करके खीर बनवाई गई। सरयू नदी के तट पर यज्ञशाला बनाई गई और महाराज दशरथ से कहा, राजन ध्यान रखना, जो यज्ञ चल रहा है इसमें किसी भी प्रकार की एक जीव की हानि भी न होने पाए, क्योंकि श्रद्धा से यज्ञ कराने वाला कराए और श्रद्धा से करने वाला यज्ञ करे तो संसार की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है, यदि दोनों तरफ श्रद्धा का भाव रहता है। कई बार हवन कराते हैं, ऋषियों ने कहा चार प्रकार के पदार्थ डालना, सुगंधित, मिष्ट, पौष्टिक और रोगनाशक। अब वो सुगंधित, मिष्ट वाले और रोगनाशक वाले तो चलो छोड़ो, पर जो पौष्टिक वाले आते हैं तो क्या कहा, अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। तो यदि अपने शरीर को पौष्टिक रखने के लिए हम अच्छी चीजें खाते हैं तो देवताओं को भी अच्छी चीजें खिलाओ। तो क्या कहा, सामग्री में बादाम डालो, अखरोट डालो, काजू डालो, किशमिश डालो, छुआरे डालो, है ना, ये सब डालो, ये पौष्टिक पदार्थ है। और अग्नि जला करके नष्ट नहीं करती, कई गुना बढ़ा करके देती है। तो लोग इतने चालाकी कर देते हैं, कई बार मैंने देखा बादाम की अंदर वाली गिरी निकाल ली और वो जो बाहर वाले छिलके वो सारे सामग्री में डाल दिए। तो हमने कहा ये क्या किया, बोले पौष्टिक पदार्थ डाले ने। मैंने कहा पौष्टिकता छिलकों में थोड़ी ना थी, पौष्टिकता तो अंदर वाले भाग में थी, तो तुम्हें अंदर वाला भाग डालना चाहिए था। इसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी बार अंदर वाला डाल दूंगा। छुआरे लेके आया बाजार से, उसका ऊपर का खुद खा गया और अंदर वाली गुठली। बताओ इस पर देवता कौन सी कृपा बरसा देंगे? भाई देवता भी तो कृपा उसी पर बरसाएंगे जो देवताओं को पूजा पद्धति में वो नियत वो भाव रखेगा। तो कहा कि राजन इस यज्ञ के अंदर कोई हिंसा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। पत्नी सहित सरयू नदी के तट पर महाराज दशरथ ने बड़ी श्रद्धा से यज्ञ किया। और वो मेरी माताओं कहते हैं उस यज्ञ के अंदर जो खीर औषधि युक्त थी, जो बनवाई गई थी कई प्रकार की औषधियों को मिला करके, उसे यज्ञ शेष के रूप में प्रदान किया गया। इसलिए पंक्तियां लिखी क्या, सरयू नदी के तट पर अज यज्ञ रचाया भा, जी यज्ञ रचाया भारी, अग्नि देव भी प्रकट हुए थी कृपा प्रभु की भारी, अग्नि देव भी प्रकट हुए थी कृपा प्रभु की भारी, मिला औषधि अंजलि की थी, मिला औषधि अंजलि की थी, वहां पे खीर तैयार अजीगा, वहां पे खीर तैयार, चलो
चल करके जाए, ऋषि शंकी को लाए, जदों चल करके जाए, ऋषि शंकी को लाए। अरे देखा जब राजा दशरथ का विचलित स्वभाव, देखा जब राजा दशरथ का विचलित स्वभाव, हे राजन कर पुत्रेष्ठी यज बोले मुनि पुकार, चलो चल करके जाए, जय हो ऋषि शंगी को लाए, चलो चल करके जाए, 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 ऋषि शंगी को लाए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, बोलिए यज्ञ भगवान की जय। बड़ी श्रद्धा से यज्ञ किया गया, हवन रचाया गया और अनेक प्रकार की औषधियों को मिलाकर के खीर तैयार की गई, जिसे यज्ञ शेष के रूप में महाराज दशरथ को श्रृंगी ऋषि ने देकर के कहा, महाराज इस खीर के बराबर बराबर भाग करके अपनी तीनों रानियों को दे दीजिए, कुछ औषधियां मेरी माताओं महाराज दशरथ को भी खिलाई गई थी। और कहते हैं महाराज दशरथ ने तीन भाग बना करके तीनों रानियों को खीर के दिए। अब एक परंपरा है, कदम पर प्रेरणाओं से भरी पड़ी है ये रामायण। महाराज दशरथ ने जब तीनों रानियों को खीर दी तो बड़ी जो रानी है कौशल्या, उनका स्वभाव है वो अकेले नहीं खाती। घर में एक नियम बनाओ, कोई भी वस्तु अगर खाने की या कोई भी वस्तु बाहर से आई है तो सबसे पहले जो आपके घर के बड़े हैं उन बड़ों के सामने वो वस्तु रखनी चाहिए। जो यहां बहुओं के रूप में बैठी हैं, अपनी सास के सामने उसको रखो, मां ये चीज आई है। क्या होगा, बड़े बुजुर्ग बहुत ज्यादा खाते हो ऐसा नहीं, उस समय तो व्यक्ति की शुद्धा अपने आप ही इतनी मंद हो जाती है, बहुत कम मात्रा में खाते हैं। बड़ों का मान सम्मान रह जाता है, आपका उनके प्रति क्या आदर भाव है ये पता लगता है। और स्वभाव के अनुसार बता रही हूं, बड़ा क्या कहेगा, कोई बात नहीं बेटी आप बांट दो सब में और सबको दे दो। आजकल क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज आई और पता लगा लाने वाला भी छिपा के ला रहा है और जिसको संकेत कर रहा है वो भी ऊपर ले जाओ, वो भी गर्दन हिला के ऊपर पहुंचा रही है। अब ये जो तुम्हारे ट्विटर व्हाट्सएप है बच्चे, ये अगले दिन सारा भेद खोल देते। मेरे पापा ना रात जलेबियां लेके आए थे, अब फिर कमरे में ले जाके उसे थप्पड़ लगा रही है, तो क्यों बताया तूने। तो झूठ बनाने की दुकान तो तुमने अपने घर में खुद लगा रखी है। बहुत बड़ी बात नहीं होती, कोई चीज आई वो बड़ों के बीच में रख दी। स्वभाव बनाना चाहिए, क्यों, केव लागो भवति केवल आदि, अकेला जो खाता है वो पाप खाता है, इसलिए मिल बांट करके खाओ। अच्छा पहले परंपरा क्या थी, कोई चीज आई बड़ों के हाथ में दे दी, बड़े क्या करते थे, आवाज लगाते थे सबको और सबके हाथ पे थोड़ी में से थोड़ी, थोड़ी में से थोड़ी, वो एक बना रहता था। ये जो आपने आपकी प्रवृत्ति है ना, ये राक्षसी प्रवृत्ति है।
मिल बांट करके जो खाने की प्रवृत्ति वो देव प्रवृत्ति है। इसलिए यज्ञ में जब आहुति दी जाती है तो कभी नहीं कहा जाता इदन मम इदन मम इदन मम, क्या कहते हैं, इदन ना मम, मेरे लिए नहीं सबके लिए। तो वहां पर औषधि युक्त खीर दी जा रही है, पर स्वभाव देखो, आदत देखो, मतलब आदत बना लो आप। और जब आदत बन जाती है तो वो छूटती नहीं है, ये सच है क्या? पर मैं क्या देखती हूं, अच्छी आदत नहीं बनाते लोग, बुरी आदत बनाते। अब बुरी आदतें नहीं छूटती तो वो अच्छी चीजों को पकड़ ही नहीं पाते। आप अच्छी आदतें बनाओ ताकि वो आपकी ना छूटे। अब कौशल्या की आदत क्या है कि वो अकेले नहीं खाती, वो मिल बैठ के खाती है। तो उसने क्या किया, थोड़ी सी खीर अपनी खीर में से ली। और स्वभाव है कि बड़ा जब भी देगा वो सबसे पहले छोटे को देता है। तो कौशल्या ने थोड़ी सी खीर किसको दे दी? और कहते हैं बड़ों को देख करके छोटे सीखते हैं। तो जैसे ही कौशल्या जी ने ये किया तो तुरंत माता केकई ने भी थोड़ी सी खीर ली और उन्होंने भी दे दी। अब दोनों ने अगर प्यार लुटाया है सुमित्रा जी के ऊपर तो देखो वो प्यार किस रूप में दिखाई दिया है। दो संतानें हुई सुमित्रा जी की, एक कौशल्या वाले पक्ष से नहीं हटी और दूसरी, जोर से बोलो, केकई वाले पक्ष से नहीं हटी। ये विज्ञान है रिश्ते बनाने का। अगर मिल बांट करके चीजें खाओगे तो उस स्वभाव से जो संतति पैदा होगी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो प्रेम और सौहार्द जन्म लेगा। गिव एंड टेक की थ्योरी पर संसार चलता है। आप जो दे रहे हो पलट करके वो चीजें आप तक ही लौट रही है। आप अपने घर में अगर प्यार दे रहे हो तो प्यार ही लौट रहा है, आप नफरत दे रहे हो तो नफरत ही लौट रही है। सबने सेवन किया और कहते हैं मेरी माताओं कुछ ही समय के पश्चात जो महाराज दशरथ तरस गए थे सुनने के लिए, वो सुनने को मिला के तीनों रानियां गर्भवती हैं। बच्चों के उचित विचार बने, उचित संस्कार बने, इसलिए शंगी ऋषि को विदाई नहीं दी गई थी, रखा गया उनको वहां पर। और कहते हैं जब तीनों रानियों के गर्भ धारण की सूचना पता चली तो तैयारी तो उससे पहले से ही चल रही, पर शंगी ऋषि ने कहा सुनो, ये जो अवस्था होती है ये बड़ी नाजुक अवस्था होती है। गर्भाधान से लेकर के और जब तक एक बालक की आयु 5 वर्ष की न हो जाए तब तक सबसे बड़ा कर्तव्य और दायित्व बनता है एक मां का। क्योंकि जिस प्रकार से एक फसल खेत के अंदर पनपती है एक बालक मां के गर्भ में उसी प्रकार पनपता है। मां जो खाती है उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर जाता है, मां जो देखती है उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर जाता है, मां जिन ग्रंथों को पढ़ती है उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर जाता है, मां जिन बातों को सोचती है उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर जाता है। मां हंसती है तो बच्चा हंसता है, मां रोती है तो बच्चा तनाव का शिकार होता है, मां का बीपी हाई होता है तो डॉक्टर तुम्हें बता देंगे बच्चे का बीपी भी। जोर से बोलो, गर्भ के अंदर ये विज्ञान चल रहा है और चलाने वाला कौन है? परमात्मा बना रहा है वो, ध्यान रखना। दुनिया में जितनी वस्तुएं बनती हैं उन औजारों के चलने की आवाज आती है, पर गर्भ के अंदर परमपिता परमेश्वर इतना अच्छा स्ट्रक्चर तैयार करता है उसकी कोई आवाज नहीं आती। लेकिन परमात्मा ने अपनी जिम्मेदारी एक मां को दे दी कि देख मैं तेरे गर्भ के अंदर इसका निर्माण तो कर दूंगा शारीरिक रूप से, पर संस्कारिक रूप से जो निर्माण करोगी वो तुम करोगी। क्योंकि माता निर्माता भवती, माँ निर्मात्री है, माँ बच्चे की पहली गुरु है। माँ जैसा बच्चे को बनाती है बच्चा वैसा बन जाता है। अरे जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शोर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर।
पैदा करना है। पैदा करना है तो कोई देशभक्त पैदा करो, धर्म भक्त पैदा करो, ऐसी संतान बना दो कि कोक धन्य हो जाए। ऐसी संतान का निर्माण कर दो कि जिसको देख करके देखने वाले नफरत से नहीं, आदर से ये पूछे कि बेटे तेरे माँ बाप कौन, और कोई नाम बता दे और वो भावुक होकर के कह दे कि धन्य है तेरे माता पिता को जिन्होंने तुझे पैदा किया। ऐसी संतान, और इसका बहुत बड़ा दायित्व माताओं तुम पर है, इसलिए श्रृंगी ऋषि तीनों रानियों को बैठा करके क्या कहते हैं, अधिक गर्म चीजों का सेवन मत करना। जो आज धीरे से कुरकुरे के पैकेट मंगा मंगा के खा रही है ना, और फिर वो कुरकुरे ही बच्चे पैदा कर रही है, देखा नहीं बच्चे कितने कुरकुरे हैं आजकल के। अधिक गर्म चीजों का सेवन मत करना, दही का प्रयोग, दूध का प्रयोग, फलों का प्रयोग, सब्जियों का प्रयोग या अधिक करना। उस समय गलत चलचित्रों को मत देख करके अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना, अच्छी पुस्तक पढ़ो। आपको रामायण अच्छी लगती है रामायण पढ़ो, आपको गीता अच्छी लगती है गीता पढ़ो, आपको कोई मोटिवेशनल बुक अच्छी लगती है वो पढ़ो, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, अच्छे चित्रों को देखना, क्योंकि चित्र से चरित्र बनता है। और श्रृंगी ऋषि कहते हैं पुरुषार्थ करना, क्या कहा उन्होंने, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के माने मेहनत करना। इसका मतलब ये नहीं कि लिख करके दे दिया कंप्लीट बेड रेस्ट तो बस बैठी है बेड पर टंगी हुई। ये जो कंप्लीट बेड रेस्ट है ये भी खतरे की निशानी है, किसी कंडीशन में होता है तो अपनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन शौक चढ़ जाए कि हाँ हमें तो कंप्लीट बेड रेस्ट बता दिया, अब हमें हिलना ही नहीं है। आप जितना जितना उस समय बैठोगी उतनी उतनी ऑपरेशन की नौबत आएगी, शरीर बेकार होगा ही होगा। और जितना जितना पुरुषार्थ करोगी उतनी उतनी मूमेंट आपके शरीर में रहेगी, बच्चे के पैदा होने के जो नॉर्मल चांसेस है वो उतने ही ज्यादा होते हैं। पुरुषार्थ करो। अब इससे बड़ा क्या पुरुषार्थ होगा कि माता कौशल्या जो महाराज दशरथ की महारानी है, और वो एक महारानी होकर के भी पता लगा सूत कात रही है, उसे किसी गरीब किसान के यहां भिजवाती है, गेहूं मंगवाती है, उन्हें खुद पीस करके उसकी रोटी बना करके खुद खाती है। क्यों? मेरे बच्चे में आलस ना आ जाए, मेरा बच्चा प्रमादी पैदा ना हो जाए। एक माता की सुंदरता उसकी बाहरी सजावट में नहीं है, माता की सुंदरता है तब जब वो उत्तम संतानों का निर्माण बना करके और समाज को सौंपती है, और समाज जब उसकी संतान को देखता है तो उसकी सुंदरता वहां नजर आती है। जब वो एक घर को बना करके गृहिणी गृह उच्चते, जब वो एक घर को बना करके अपने मेहनत और पुरुषार्थ से दिखा देती है तब समाज देखता है ये नारी कितनी सुंदर है। इसलिए मेरी माताओं बहुत बड़ा दायित्व कर्तव्य है आपका। एक ग्रंथ के अंदर ये तक पढ़ने को मिलता है कि अन्न और औषधियों के माध्यम से एक माँ जैसा अपनी संतान को चाहे ऐसा बना सकती है। तो यदि आपके मन में भी ये संकल्प है कि मेरे घर में बेटा कैसा हो और बेटी कैसी हो,
आप कपड़े अपनी पसंद के पहनते हो, आप भोजन अपनी पसंद का करते हो, आप मकान अपनी पसंद के बनवाते हो, आप जूते चप्पल अपनी पसंद के लाते हो, तो आप एक बार मेरी इस बात पर आज घर जाकर के विचार जरूर करना। ऐसी कहां कमजोरी रह जाती है कि हम बच्चों के बारे में फिर ये कह देते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये हमारे विचारों से मेल नहीं खा रहे हैं। कहां गड़बड़ हो गई, इस पर विचार जरूर करना। अगर आप हर चीज अपनी पसंद की ला सकते हो तो ध्यान रखना, संसार में, अपने घर में, अपने परिवार में आप जीवात्माएं भी अपनी पसंद की ला सकते हो, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए मेहनत क्या है कि एक पति पत्नी जितना अपने आप को तपाएंगे वो उतनी ही उत्तम संतान को प्राप्त करेंगे। आज इस बात पर सोचना पड़ता है कि आपके पास हर चीज की योजना है। यदि विवाह के लिए आपको एक ड्रेस भी तैयार करवानी पड़ जाए तो आपको उसकी भी योजना आप बना लेती हो, ये कैसी होनी चाहिए मेरी साड़ी। लेकिन आज के माता पिता के पास, मैं पहले ही हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेती हूं, आज के माता पिता के पास कोई योजना नहीं है कि मेरे घर में बेटा कैसा आना चाहिए और मेरे घर में बेटी कैसी आनी चाहिए। कोई योजना नहीं है, क्योंकि दिमाग दूसरी चीजों में लगा रखा है। यहां पर अपने वैदिक काल को अगर आप देखो तो विवाह नहीं होते थे, विवाह से पहले ही योजनाएं बन जाती थी कि जब हम संतान पैदा करेंगे तो वो किस प्रकार की होगी। आज विवाह होता है तो डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए, वेडिंग प्री सूट होना चाहिए, हल्दी का फंक्शन ऐसे होना चाहिए, मेहंदी का फंक्शन ऐसे होना चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए। करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर विवाह के बाद जिस घर में आपको रहना चाहिए, मेरा वो घर कैसा हो इसकी प्री प्लानिंग भी तो करो। उस घर में जो हमारे बड़े हैं उन बड़ों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है इसकी प्री प्लानिंग भी तो करो। इसकी भी तो काउंसलिंग होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो जाए, पर हम घर को तोड़ने पर अपनी ताकत नहीं लगाएंगे अपितु घर को जोड़ने पर अपनी ताकत लगाएंगे। इसकी भी तो योजना होनी चाहिए, इसकी भी तो योजना बनाओ ना। ईंट पत्थरों की दीवारों से घर नहीं बनता, रिश्तों से घर बनता है। और उस घर को बनाने के लिए कभी कभी अपनी बहुत छोटी छोटी चीजों को दबा करके बड़ी बड़ी चीजों को उठाना चाहिए। जब मस्तिष्क के अंदर बड़प्पन लेकर के आओगे तो छोटी छोटी चीजें बहुत नीचे दब जाएंगी। और अगर वो बड़प्पन आपके व्यक्तित्व में नहीं है तो फिर छोटी छोटी चीजें बहुत हैं आपके रिश्तों को समाप्त करने के लिए। और जब आप स्वयं उन चीजों को नहीं संभाल पा रहे तो आप अपनी अगले वाली पीढ़ी से कभी अपेक्षा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना कि ये अगली वाली पीढ़ी आपके अनुकूल हो जाएगी। इसलिए जो सुनने को मिल रहा है ना, बच्चे हमारे अनुकूल नहीं है, संतानें हमारा कहना नहीं मानती, ऐसा हो क्यों रहा है, गलती कहां हो गई, सोचो तो सही, गलती कहां हो गई। एक होती है नस्ल, एक होती है फसल। फसल उत्तम बनानी है तो नस्ल उत्तम रखनी चाहिए। अगर नस्ल बिगड़ेगी तो फसल अपने आप बिगड़ेगी। माता पिता नस्ल हैं और संतानें उनकी फसल हैं। अगर वो नहीं बन पा रही है तो कहीं ना कहीं दोष नस्ल को जाता है। जहां नस्ल ठीक होती है वहां फसल अपने आप ठीक हो जाती है। भगवान राम जैसे व्यक्तित्व तो आज भी पैदा हो सकते हैं, पर उनके लिए किसी का दशरथ, किसी का कौशल्या होना जरूरी है। कृष्ण जैसे व्यक्तित्व आज भी पैदा हो सकते हैं, पर उनके लिए किसी का वासुदेव और किसी का देवकी और यशोदा होना जरूरी है।
बजरंग बली जैसे व्यक्तित्व आज भी पैदा हो सकते हैं, पर उन्हें पैदा करने वाली अंजना होनी चाहिए, तब जाकर के ऐसे महान व्यक्तित्व पैदा हो। आज अगर अपनी जिह्वा पर इतना भी कंट्रोल नहीं रख सकते, ये सोच करके भोजन ना करें माताएं कि मैं भोजन कर रही हूँ, अरे ये सोच करके भोजन करो कि मेरा बच्चा भोजन कर रहा है तो मुझे अपने बच्चे को क्या देना है। आप टीवी देख रही हो तो टीवी पर उस नग्नता को ये सोच करके मत देखो कि मेरा मनोरंजन हो रहा है, अरे ये सोचो कि मेरे बच्चे पर इस चीज का गलत असर जा रहा है तो मैं अच्छी ही चीज देखूं ताकि मेरे बच्चे पर उसका अच्छा प्रभाव जाए। आप कोई पुस्तक पढ़ती हो, माताएं कहती हमें तो नींद आ जाती है, ये सोच करके पढ़ोगी ना कि मुझे पढ़नी है तो नींद आएगी, और अगर सुभद्रा की तरह ये सोच करके पढ़ोगी कि मुझे अपनी संतान को बनाना है तो फिर कोई ना कोई अभिमन्यु चक्रव्यूह का तोड़ने वाला तुम्हारे गर्भ में तैयार हो ही जाएगा यदि तुम सुभद्रा बनकर, क्योंकि बड़ा पावन नाता है। तो श्रृंगी ऋषि ने ये उपदेश किया, ये खाना, ऐसे रहना, इन ग्रंथों को पढ़ना, इस प्रकार के कार्यों को करना, और तीनों रानियों ने अक्षर सह पालन किया। उस अक्षर सह पालन करने का ही एक सुपरिणाम था कि वो शुभ घड़ी आई जिसकी तरफ हम कल बढ़ेंगे, जिसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। आज तो बस यहीं पर कथा को कह करके विराम दे रही हूं कि प्रेरणा लेकर के जाना, कोई तो माता ऐसी बने कि मैं ऐसे व्यक्तित्व को पैदा करूं जिनके अंदर ऐसे लक्षण हो, निश्चित कल्याण होगा। आइए आज की कथा को यहीं पर विराम, आज पहला दिन था, थोड़ी देर से कथा शुरू हुई और भूमिका बनाने में भी बहुत समय लग जाता है, पर विधिवत रूप से अब कल से कथा जो चलेगी वो ठीक 4 बजे से आरंभ होगी। आप प्रयास करें उससे पहले ही आने का, और स्वयं भी आना है और दूसरों को भी लेकर के आना है, क्योंकि अकेले जो खाता है वो, जोर से बोलो, पाप खाता है। तो कैसे खाना है हमें? मिल बांट के। तो मिल बांट के मतलब औरों को भी लेके आना है। आरती से पहले कोई ना उठे, अभी बैठे है ना। आइए एक बार दोनों हाथों को उठाएंगे। कल से विधिवत रूप से कथा आरंभ होगी, समय से आप लोग आए और कथा का श्रवण करें। निश्चित निश्चित बहुत संस्कारों को बदलने में ये कथा सहायक होगी। दोनों हाथ एक बार उठाएंगे कि जय जय राम कथा, जीवनी मोर
सुहावे बुद्धि विश्राम सकल जन निरंजनी राम कथा कलुष निभंजनी सभी ने बड़े दचित मनोभाव से सुना, हृदय की गहराइयों से सबका धन्यवाद।